हाय फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसमें पॉजिटिव वाला बताए थे और निगेटिव वाला बताए थे। आज हम निगेटिव वाले एक्सपोनेंट्स के कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट, 2 की पावर -4 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2, 2 की पावर -4 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2। इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर -4 प्लस -2। इस तरह से सॉल्व करेंगे इसे हम। और इसका हमने बताया था इक्वल 2 की पावर -4 और +-2 आ जाएगा 2 की पावर -6। और 2 की पावर -6 को हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 की पावर 6 और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इक्वल 1/2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 1/64 इसका आंसर है। और यह था हमारा निगेटिव वाला जो फार्मूला बताए थे, a की पावर -m मल्टीप्लाई a की पावर -n इक्वल टू a की पावर -m प्लस -n। यह निगेटिव वाले फार्मूले से हमारा आया था। और पॉजिटिव वाला फार्मूला है हमारा, यह निगेटिव वाला फार्मूला था। और इसी टाइप का हमारा पॉजिटिव वाला फार्मूला था, पॉजिटिव वाला a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। यह हमारा पॉजिटिव वाला फार्मूला था और यह हमारा निगेटिव वाला फार्मूला था। तो पॉजिटिव वाले फार्मूले पे हमने एग्जांपल बता दिया है, आज हम निगेटिव वाले फार्मूले पर एग्जांपल बता रहे हैं। तो यह रहा हमारा फर्स्ट एग्जांपल। अब देखेंगे एग्जांपल नंबर सेकंड। सेकंड एग्जांपल है 2/5 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 2/5 होल पावर माइनस टू। इसे सॉल्व करते हैं तो इसे हम सॉल्व करते समय 2/5 होल पावर -4 अपॉन डिवाइडेड है तो अपॉन 2/5 होल पावर -2 इस तरह से लिख सकते हैं इसे हम। इसके बाद जो है इसे हम लिख सकते हैं 2/5 की पावर -4 प्लस -2 इस तरह से लिख सकते हैं। या -4 प्लस -2 इक्वल 2/5 इक्वल 2/5 की पावर -4 प्लस 2 होल पावर -4 प्लस या माइनस माइनस जो है हमारा प्लस हो जाएगा, -4 प्लस 2 इक्वल 2/5 की पावर -2 2/5 की पावर -2 इक्वल इसके बाद 1/2/5 की पावर 2 1/2/5 की पावर -2 इसके बटे 1 कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले में और इसका मल्टीप्लाई हर वाले में, पहले का गुणा चौथे में और दूसरे का गुणा तीसरे में। तो यहाँ पर हमारा यह पहला है, यह दूसरा है, यह तीसरा है और यह चौथा है। तो पहले का चौथे में और दूसरे का तीसरे में हो जाएगा 5/2। या इसे जब सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 5/2 इसकी पावर
2, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 2 अपान 2 की पावर 2 इक्वल टू 25 अपान 4, यह रहा हमारा आंसर। तो इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और इसका फार्मूला जो था वह था a अपान बी, इसका फार्मूला था a अपान बी की पावर माइनस m, a अपान बी की पावर माइनस m। तो एक बार यह फार्मूला इसमें लगा और एक बार इसमें लगा, और डिवाइडेड वाला या तो पहले से ही है कि अगर 8 डिवाइडेड बाई 2 लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं 8 अपान 2, और 2 4 जा 8 कर देते हैं। तो यह था हमारा सेकंड एग्जांपल। अब देखेंगे एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड हमारा है 2 की पावर 3 होल पावर माइनस 2, एग्जांपल नंबर थर्ड है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे a की पावर माइनस m की पावर, इसे इसका फार्मूला है a की पावर माइनस m की पावर माइनस n। इस फार्मूले की सहायता से हल करेंगे, और इसका जो आया था सॉल्व किए थे तो आया था a की पावर माइनस m गुणे माइनस n। इसे जब सॉल्व किए थे तो हमारा यह आया था, यह फार्मूला है। तो सेम सवाल हमारा, सेम क्वेश्चन से यह दिख रहा है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे इसे इसी तरह 2 की पावर 3 माइनस 2। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपान 2 की पावर माइनस 3 होल पावर 2, इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें इस रूप में लिखना है तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस 2, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस 2, और इसे सॉल्व कर देंगे तो 2 की पावर 3 टू जा 6 और माइनस 2 की पावर माइनस 6। अब 2 की पावर माइनस 6 इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 की पावर माइनस 6 इक्वल टू 1 अपान 2 की पावर 6, और 1 अपान 2 की पावर 6 इक्वल टू 1 अपान 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इसे सॉल्व कर देंगे 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, 1 अपान 64 हमारा आंसर है। अब देखेंगे अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर या क्वेश्चन नंबर 4, 4 है हमारा 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर माइनस 2, इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे कर सकते हैं 4 की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर माइनस 2, इसे हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और इसे कर सकते हैं इक्वल टू 1 अपान 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 अपान 5 की पावर 2, इसे हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला एक है, निगेटिव वाला फार्मूला हमने बताया था a b की पावर माइनस 2 इक्वल टू a की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई b की पावर माइनस 2, या 1 अपान a की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 अपान b की पावर 2, यह फार्मूला हम बताए थे निगेटिव वाला। तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 अपान 4 की पावर 2, तो हो जाएगा 1 अपान 4 गुणे 4, और 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 1 अपान 5 5 जा 25, और इसे जब सॉल्व करेंगे 16 मल्टीप्लाई 25 तो 1 अपान 400, यह हमारा आंसर आएगा। अब निगेटिव वाला एग्जांपल देखते हैं, 2 अपान 3, एग्जांपल नंबर 5, 2 अपान
3 की पावर माइनस 3, इसे सॉल्व करेंगे। यह था हमारा फार्मूला a अपान b की पावर माइनस m, a अपान b की पावर माइनस m वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a की पावर माइनस m अपान b की पावर माइनस m, a की पावर माइनस m अपान b की पावर माइनस m, या 1 अपान a की पावर m अपान b की पावर m। इसे इस फार्मूले से हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 की पावर माइनस 3 अपान 3 की पावर माइनस 3 इक्वल टू, इसे हम उल्टा कर देते हैं तो 3 अपान 2 हो जाएगा और जो घात हमारी ऋणात्मक है या धनात्मक हो जाएगी, तो इसे हम उल्टा कर दिए 2 अपान 3 को 3 अपान 2 कर देंगे, तब यह जो हमारी यह पावर जो निगेटिव है यह पावर पॉजिटिव हो जाएगा और इसे सॉल्व कर देंगे। 3 3 जा 9 9 3 जा 27 अपान 2 2 जा 4 2 जा 8, 27 अपान 8, यह रहा हमारा आंसर। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एज एक्सपोनेंट्स। अगला हमारा टॉपिक है पॉजिटिव पॉजिटिव रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एज एक्सपोनेंट। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एज एक्सपोनेंट, इसमें देखेंगे कि लेट ए बी एनी रैशनल नंबर, ए बी एनी रैशनल नंबर ए बी एनी रैशनल नंबर एंड लेट पी अपान क्यू एंड लेट पी अपान क्यू बी एनी पॉजिटिव बी एनी पॉजिटिव रैशनल एक्सपोनेंट बी एनी पॉजिटिव रैशनल एक्सपोनेंट देन वी डिफाइन then we define a की पावर p अपान q, a की पावर p अपान q as the q th at the q th root of the a की पावर रूट ऑफ द ए की पावर पी। फॉर एग्जाम्पल ए की पावर पी अपान क्यू इक्वल टू ए की पावर पी होल पावर 1 अपान क्यू, इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह है हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एज एक्सपोनेंट। इसमें हम देखते हैं लेट ए बी एनी रैशनल नंबर्स एंड लेट पी अपान क्यू बी एनी पॉजिटिव रैशनल एक्सपोनेंट्स देन वी डिफाइन ए की पावर पी अपान क्यू एज द क्यू टी एस रूट ऑफ द आई ई रूट ऑफ द आई ई रूट ऑफ द ए की पावर पी रूट ऑफ द ए की पावर पी आई ई फॉर एग्जाम्पल ए की पावर पी अपान क्यू इक्वल टू ए की पावर पी होल पावर 1 अपान क्यू। अब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एट की पावर टू अपान थ्री
8 की पावर 2 अपान 3। आठ की घाते 2/3, इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 8 की पावर 2 होल पावर 1/3। इस रूप में हम परिवर्तित करेंगे जैसे हमने बताया a की पावर p होल पावर 1/q, तो इसे हम 8 की पावर 2 1/3 इसे सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8 की पावर 2 8 मल्टीप्लाई 8 64 होल पावर 1/3 और इसे हम कर सकते हैं होल पावर अंडर रूट हो जाएगा 1/3 है तो अंडर रूट 64 और यहाँ पर 3 हो जाएगा अंडर रूट 64 और 64 जब अंडर रूट होगा तो हो जाएगा इसका आंसर आएगा 4। अंडर रूट है तो 64 तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 जा 16 16 4 जा 64 तो यह रहा हमारा आंसर 4। अगला एग्जांपल देखेंगे दूसरा। दूसरा एग्जांपल है 25 की पावर 3/2। 25 की पावर 3/2 इसे हम सॉल्व करेंगे जैसे a की पावर p अपान q को हमने लिखा था a की पावर q 1/p, इसे हम सॉल्व किए थे इस तरह a की पावर p 1/q इस तरह किए थे तो इसी तरह इसको भी करेंगे। 25 हो जाएगा 25 की पावर 3 होल पावर 1/2 और 25 की पावर 3 होल पावर 1/2 अर्थात 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 और इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 15 16 5 यह आएगा और इसकी पावर 1/2 हो जाएगा। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 15 15625 की पावर 1/2 और जब पावर 1/2 इसे हम हटाएंगे 1/2 अर्थात अंडर रूट हो जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट 15625 अंडर रूट आ जाएगा और इसे जब हम अंडर रूट इसका वर्गमूल निकालेंगे क्यूब तो इसका जो हो जाएगा स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 20 125, इसका आ जाएगा 125, यह होगा हमारा आंसर। तो 25 की पावर 3/2 इसका आंसर आएगा 125। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम इसी तरह मिलेंगे। निगेटिव रेशनल नंबर्स एज एक्सपोनेंट, यह पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एज एक्सपोनेंट था, फिर मिलेंगे हम निगेटिव रेशनल नंबर्स एज एक्सपोनेंट, इसकी इसी तरह एग्जांपल रहेंगे उसमें भी, लेकिन इसमें पॉजिटिव की जगह हमारा निगेटिव रहेगा, जैसे 25 की पावर -3/2 रहेगा या -25 की पावर 3/2 रहेगा, तो इस तरह रहेगा उसमें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।